subscribe to my channel, and also press this bell icon so you never miss any new updates. एक सीनियर से थोड़ा सा पूछते हैं ये सबसे सुपर सीनियर सुपर सीनियर आई डिडंट गेट योर नेम माय नेम इज मोहम्मद आमिर जी मोहम्मद आमिर कहां से हैं आप मैं हैदराबाद से हूं कौन सी ईयर में हैं आप मैं फोर्थ ईयर में हूं फोर्थ ईयर में हूं और कैसा लाइफ है यहां पे आपका लाइफ हां ठीक है बढ़िया है स्टडीज पे कंसंट्रेट करने वालों को स्टडीज कंसंट्रेट होती है सिंस यू आर इन फोर्थ ईयर तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे या आपके एजुकेशन सिलेबस और जो यू नो यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं हाँ हाँ और यहाँ के कितना सिमिलर है अब यहाँ पे टीचिंग इज गुड जो सिलेबस है वो यूएसएमएलई से एनालॉगली मैच करता है यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि जो एक्सपेरिमेंटल जो लैब्स होते हैं ना वो बहुत हाई स्टैंडर्ड है और हमको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है आई वाज सीइंग दिस सिमुलेशन सेंटर इट इज सच अ बिग हां मतलब यहां पे आप हैव यू एवर बीन टू या या रिगार्डिंग दैट फर्स्ट टू फ्लोर्स आर जस्ट फॉर रिसर्च रिसर्च या इतना बड़ा कैंपस इतना बड़ा बिल्डिंग जस्ट फॉर रिसर्च हां ये यूनिवर्सिटी टॉप 3 में भी तो आती है चाइना में रिसर्च के लिए राइट C9 लीग का मेंबर है इस यूनिवर्सिटी रिसर्च अगर चाहते कोई आगे जाके तो बहुत बढ़िया है यहां पे एप्लीकेशंस वगैरह आपको सिखाते भी रिसर्च बेस से होता है और ठीक तरह से आप ना प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इजीली आप फोर्थ ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है आमिर अभी रेडियोलॉजी है न्यूक्लियर मेडिसिन है सर्जरी है सर्जरी हमको 2 साल के लिए डिवाइडेड है अलग अलग तरीके से न्यूरोलॉजी हो गई फिर एनेस्थीशियोलॉजी एंड ह्यूमन मैनेजमेंट स्टडीज एक है फिर रिहेबिलिटेशन एक टोटल 7 to 8 सब्जेक्ट्स हैं मैं बता दूं ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे मैं पकड़ के ले आया मतलब थोड़ा सा अपने पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स जो आज वीडियो को देख रहे हैं जी उनको बड़ा क्यूरियोसिटी रहता है कि भाई फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स का वीडियो बना ताकि हमें यूनिवर्सिटी और स्टडीज के बारे में ज़्यादा पता चले तो जो आपका सीनियर है उनका क्या फीडबैक है यहाँ के पेशेंट के बारे में यहाँ पे ओपीडी के बारे में थोड़ा सा बताओ यहाँ पे अगर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आपको ना एक ही प्रॉब्लम अगर आप लैंग्वेज से यहाँ के फेमिलियर हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिले डॉक्टर्स आपको बहुत मदद करेंगे अलग अलग तरीके से बताएंगे कि ये डिजीज किस तरह से और प्रेजेंट हो सकती है डायग्नोसिस में मदद करेंगे और पेशेंट से भी आप अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो ऐसा नहीं है कि 10-12 लड़के हैं एक ही पेशेंट के पीछे 3-4 लड़के भी डिवाइडेड होके एक पेशेंट को देख सकते हैं तो अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं आप पेशेंट को उसकी कोई दिक्कत नहीं है क्लासेस वगैरह कैसे चल रहा है क्लासेस पंक्चुअल होती हैं टीचर्स अच्छे हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बताएंगे हाउ ऑफन द एग्जाम्स आर कंडक्टेड एग्जाम कितने फुल मार्क्स होते हैं जैसे पढ़ाएं आपको फिर उसके हर हफ्ते एग्जाम लेते हैं या कितना फ्रीक्वेंटली एग्जाम लेते हैं यहाँ पे ना आपको जैसे ही आपका एक पार्ट एक सेक्शन चैप्टर्स का खत्म हुआ ना तो आपको ऑनलाइन होमवर्क मिल जाएगा अच्छा तो आपको MCQs को वो फिनिश करके आपको सबमिट करना रहेगा फिर बीच में मिड टर्म्स भी कंडक्ट किए जाते हैं और यहाँ पे ये है कि ऑनलाइन बेस्ड MCQ एग्जाम्स होंगे तो आपकी नॉलेज टेस्ट होगी रिटन बेस्ड 50% होगा 50% आपके नॉलेज टेस्ट करने के लिए MCQs होंगे तो जो क्वेश्चंस होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव ना 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 ये आपको ना क्लिनिकल एप्लीकेशन क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली के आपको इंसिडेंट्स दे देंगे कि ऐसा हो गया तो आप इसको कैसे डायग्नोस कर पाओगे मतलब ऐसा नहीं कि किताब खुला सामने रख ली है तब भी आप लिख नहीं पाएंगे नहीं बिल्कुल सोचना पड़ेगा तो ये क्या आपके फोर्थ ईयर में है या फर्स्ट ईयर में भी ऐसा ही है फर्स्ट ईयर में जैसे ही सेकेंड ईयर से आप एनाटॉमी पढ़ना शुरू करते हैं ना तो आपको टीचर्स भी ऐसे डायग्नोसिस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे कि कोई एक पेशेंट ऐसे प्रेजेंट कर रहा है तो आप कैसे डायग्नोस करोगे दे विल गिव यू अ सिचुएशन हां सिचुएशन देंगे हमको पता करना है कि कौन सा अगर बोन ब्रेक हो गया है या कौन से मसल टेयर हो गई है आपको पता करनी है इतनी बॉडी में से अगर कोई होता है इंसिडेंट वगैरह और एग्जाम जैसे हो रहा है तो मतलब कितने नंबर का एग्जाम होता है कितने में पास होते हैं री एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें बात यह है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है आपके इसमें 15-20% अटेंडेंस होगी ओके वो अटेंडेंस का वेटेज 15-20% अटेंडेंस यहां पे अटेंडेंस कितने में आपको अलाउ करते हैं 93% मिनिमम अटेंडेंस है यहां पे 93% बहुत हार्ड होता है मेंटेन करना लेकिन पंक्चुअलिटी सीख जाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रू हां फिर एग्जामिनेशन में फिर 20% और होता है आपका मिड टर्म्स या ऑनलाइन जो एग्जामिनेशंस आप देते हैं बाकी रिटन एग्जामिनेशन का होता है इन सम सब्जेक्ट्स आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होगा उसका भी 20-30% तो क्यूमुलेटिव आपको एग्जामिनेशन का स्कोर मिलेगा
और जैसे कोई मान लो फेल हो जाता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो री एग्जाम का क्या अपॉर्चुनिटी? री एग्जामिनेशन ऐसे है कि आपको छुट्टियां मिलेंगी हर फाइनल एग्जामिनेशन के बाद, जैसे विंटर्स के एक महीना और समर्स के दो महीने मिलते हैं, तो आपको एक महीना का प्रिपरेशन टाइम करके आप वापस से आके लिख सकते हैं। आपका मार्क पासिंग मार्क 60 होते हैं, सो थोड़ा अचीव करने 60% इज लिटिल बिट हायर व्हेन कंपेयर्ड टू इंडिया 11 12 इट्स 35%। सो वर्क हार्ड करके हम अचीव कर सकते हैं, उसमें उतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क। जैसे आपने बोला इंटरव्यू से पहले ही कि आप यूएसएमएलई का पैटर्न पे ही यहां पे एजुकेशन पढ़ाते हैं, सो लाइक आर यू प्लानिंग टू अपीयर फॉर दैट एंड हाउ द टीचर्स आर हेल्पिंग यू टू यू नो राइट यूएसएमएलई एग्जाम? श्योर, मैं प्लान तो किया है कि यूएसएमएलई प्लैब वगैरह के एग्जामिनेशंस दूं। टीचर्स कितना हेल्पफुल हेल्प करते हैं इस बारे में? हाँ, टीचर्स ना मतलब उनका पढ़ाने का तरीका ही उसके बेसिस पे होता है। कैसे? जैसे कि वही जो सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनकी तरह से, मतलब वहाँ पे तो एप्लीकेशन बेस्ड होएगा ना, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड ही पढ़ाते हैं। अच्छा, डिजीज को लेके या कोई भी एनाटॉमी हो गई, बायोकेमिस्ट्री, उसके एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाएंगे, तो उसको ही बेसिस बना के यूएसएमएलई प्लैब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बेसिस बना के हमको पढ़ाया जाता है। अच्छा, टीचर्स की तरफ। एक लास्ट क्वेश्चन। जी बिल्कुल, मैं मैक्सिमम जगह पे देखता हूँ कि भाई दूसरे कंट्री की बात कर रहा हूँ, जैसे सेकंड ईयर होते ही बच्चे ना एकदम हड़बड़ी में रहते हैं कि मैं हॉस्टल छोड़ के बाहर रहूँ, फ्लैट में रहूँ, वेदर यू टॉक अबाउट एनी कंट्री, आई एम नॉट टॉकिंग एनी नेम। तो अमीर फोर्थ ईयर में होके भी आप जैसे हॉस्टल में, संजय भैया एक बार हॉस्टल दिखा दीजिए प्लीज, ठीक है ना, तो आप हॉस्टल में ही रह रहे हो, कभी आपको लगा नहीं कि मैं हॉस्टल के बाहर रहूँ? ना ना, यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट रहता है हॉस्टल में, आपके जूनियर्स होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, आप उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक फूड वेब की तरह यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट है, एक फैमिली तरह। हाँ, फैमिली हो जाती है, राइट, जैसे सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, कभी डिनर के लिए जाना तो सब साथ में जाते हैं, तो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, अच्छे वक्त में, तो फैमिली को छोड़ के जाना ठीक नहीं लगता। और यहाँ पे जैसे इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं, जी जी, तो मनाते हो आप लोग? जी बिल्कुल, दिवाली, दशहरा, सारा चीजें। ऑफिस की तरफ से भी हमको फंड्स मिलते हैं। अच्छा, हम उनको बताते हैं कि हमारा कल्चर यहाँ पे दिखाएंगे तो फंड्स मिलते हैं, दिवाली हो गई, ईद हो गई, यहाँ पे हमको अपने तरीके से मनाने का मौका दिया मौका दिया जाता है। वेरी गुड। बाकी आसपास के लोगों के बारे में बात करो, जैसे चाइना में कैसे सेफ महसूस करते हो आप लोग, और लाइक यहाँ के लोकल लोगों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, हाउ फ्रेंडली दे आर? सेफ्टी यहाँ पे आपको 100% गारंटीड है, क्योंकि यहाँ पे लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, और पुलिसमैन या फिर जो भी लीगल अथॉरिटीज़ होते हैं वो आपका बहुत टाइमली आपका ग्रीवियंस को अटेंड करेंगे। अच्छा, और जहाँ तक टीचर्स की बात है, टीचर्स भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपका इमोशनली क्यों ना रहने दो, या फिर आपके स्टडीज़ के बाहर भी आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो टीचर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू। और जहाँ तक नॉर्मल लोग हैं, दूसरे स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली, हमको ईजिली फ्रेंड्स बना सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओनली बैरियर is you have to learn the Chinese language. Learn the Chinese language, right? It's but not that hard as well. That's not that hard. You have got 5 years to complete HSK4, correct? Haan. Fine. Thank you so much, Amir. Thank you very अच्छा much. लगा. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, ठीक है ना? See, नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में वेद भाई आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे, कैंपस के बारे में आपने देख लिया, हर चीज़ इतना यहाँ पे अच्छा है, स्टूडेंट्स आर रियली वेरी मतलब हेल्पफुल टू ईच अदर। यहाँ पे रैगिंग के नाम पे देखो, मैंने सीनियर से मैंने बात किया, दे डोंट इवन गो आउटसाइड ऑफ द हॉस्टल, फ्लैट के सोचते भी नहीं है, क्योंकि ये सोचते हैं कि भाई पहले साल से लास्ट ईयर तक यहीं पर रहना, क्योंकि एक फैमिली तरह बन गया है, और फैमिली को छोड़ के कौन जाना पसंद करेगा, राइट? थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग इट टू एज। थैंक यू।